हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, मैं आपको भूलू नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, मैं आपको भूलू नहीं। मेरा विश्वास का मंदिर खड़ा है, उसके भीतर से ध्वनि आ रही है। मानव जीवन पर पहुंची जीवात्मा के लिए ध्वनि आ रही है, मानो वो हमको अपनी ओर बुला रहा है। जब से तुम मुझसे पिछड़े हो, तुमको कहां ठोर ठिकाना मिला है? प्रश्न है वहां, उसी मंदिर की ध्वनि का प्रश्न है, तुमको कहां ठोर ठिकाना मिला है? जहां जहां तुमने आस्था रखी, उसका तो प्रसंग ये रहा है, क्योंकि आस्था हमने रखी शरीर पर, फिर हमारी आस्था गई घर पर, फिर परिवार पर, कहां कहां मेरी आस्था रही है। इस विश्वास के मंदिर की ध्वनि मुझे आवाज लगा रही थी, अब तुम आ जाओ इधर मैदाने जंग में। कृष्ण भी मुझ जीवात्मा जैसे अर्जुन को, क्योंकि वो तो कहानी है महाराज, कहानी अपने में पूर्ण नहीं होती, दृष्टांत अपने में पूर्ण नहीं होता, कुछ कहना चाहता है। अर्जुन और कृष्ण की भी, जीवात्मा और ब्रह्म की ऐसी कहानी है जो कुछ कहना चाहती है। मानो श्री कृष्ण जैसे विश्वास का मंदिर है और उसके भीतर से ध्वनि अर्जुन को निकल रही थी, अरे कहां देखते हो तुम, मेरी ओर आओ, मुझे देख, तू मुझे देख की बात कर रहा हूं, मुझे देख। कौन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। नानक जी कहते हैं बिना अपने को देखे, अपने को जाने, ये भ्रम कभी दूर ही नहीं होता है। वेदांतियों का परम सिद्धांत है ये कि निज स्वरूप का दर्शन करो। लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी प्रक्रिया है महाराज। कलेशो अधिक तरसते शाम जब तक शरीर पड़ा है, शरीर का अध्यास जब तक बना हुआ है, उस सिद्धांत को छोना बड़ा मुश्किल लग रहा है श्री कृष्ण के मतानुसार। इसलिए सगुण की उपासना लगा दी, स्वयं ही निर्गुण फिर सगुण बनता है, इससे तुमको सरल हो जाएगा काम। जैसे सीढ़ी पे चढ़कर ही ऊपर छत पे बैठने में सरलता होती है, ऐसे कौन उड़ के चला जाए ऊपर? ऐसे सगुण की उपासना से निर्गुण छूने में बड़ा सरल हो जाता है। कैसी सगुण की उपासना नामदेव की रही महाराज, सगुण की उपासना रही विट्ठल विट्ठल। पराकाष्ठा पर पहुंची तो कुत्ते के पीछे भी घृत का कटोरा लेके जा रहा था, स्वामिन तुम रोका मत सटको, इसको थोड़ा घी लगाने दो। क्या वो सिद्धांत इस विश्वास के मंदिर का यहाँ प्रखरित नहीं हो रहा था? विद्या बिने संपन्ने सगुण उपासक कितना सरलता से छू रहा है निर्गुण को। इसे दृष्टांत से सिद्धांत सरलता से छूने में आता है, कहानी से जो कहना चाह रहा है जल्दी समझ में आ जाता है। इसी विश्वास के मंदिर से भी श्री कृष्ण ने भी कुछ दृष्टांत लगाकर अर्जुन को उस सिद्धांत को छुआने का प्रयास किया है। देहिनोऽस्मिन् यथा देह कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्हि न तत्र न मुह्यति। हे अर्जुन,
जैसे शरीर में तहीनो अस्मिन यथा यथा दृष्टांत है, कौमारम यौवनम जरा, ऐसी अवस्थाएं आती हैं। उसके बाद वृद्धावस्था के बाद भी मृत्यु भी एक अवस्था है। जब तक स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है तो मृत्यु भी एक अवस्था है, क्योंकि फिर जन्म होगा। जैसे बाल अवस्था खत्म हुई, मरी तो जवानी ने जन्म लिया, जवानी मरी तो वृद्धावस्था ने जन्म लिया, इस तरह वृद्धावस्था भी मरी तो फिर यदि वासना बाकी रह गई, यम यम वापी तभी कह दिया ध्यानतर प्राप्ति धीरस तत्र न मोहयति। हरिवान फिर वहां भी मोह को नहीं प्राप्त करता, लगता है कि मृत्यु को भी अवस्था मान लेता है। अगर वासनाएं निर्मूल नहीं हुई हमारी तो मृत्यु भी एक अवस्था बनकर फिर दोबारा न जाने कहां ट्रांसफर मेरी जीवात्मा का हो जाएगा। अरे अक्षर ब्रह्म जीवात्मा होते हुए भी क्षर का संग पाकर इसका भी बुरा हाल बना हुआ हमारा। उसके लिए उपनिषद कार कहते हैं, जुष्टम यदा पश्यत अनुमिश्रम से महिमानुमिति भीतशोका। यह अक्षर ब्रह्म जीवात्मा जो भीतर पुरुषोत्तम को देख लेता है, अनुभव में ले लेता है, तो फिर भीतशोका, फिर शोक चिंता से रहित हो जाता है। आश्चर्य, संत और गुरु के निकट पहुंचने से लगता है जीवात्मा को आश्चर्य, इतना समय हो गया मुझको इस क्षर के संबंध पर, और मैं भी अक्षर ब्रह्म होता हुआ भी मैं भी क्षर माना गया, इसके साथ मैं भी शरीर के साथ भटकता रहा। जब तक शरीर से संबंध रहा है तो जीवात्मा शरीर कितनी भी छूट गए लेकिन शरीर के साथ फिर भटकता रहा। आश्चर्य है। इसलिए इस विश्वास के मंदिर की ध्वनि है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान, आश्चर्यवत चमेन मन्ना शृणोति श्रुत्वापेनम वेदन चैव कश्चित। कोई तो इसको आश्चर्य की आश्चर्यवत पश्यति, उसको देखता है बड़े आश्चर्य से, वारे ठाकुर तू इस रूप में भी आ गया है। स्वामी राम तीर्थ इसी प्रकार देख रहा था, सांप को देखा है जंगल में खड़ा है, सांप बिस्तर सामने आया, सदगुरु के मुख से सुना था। स्वामी राम बोल पड़े, अरे हाँ समझकर अपना दीवाना तुम मुझसे मुख छिपाते हो, मैं अच्छी तरह जानता हूं राम तेरे सिवा कौन होगा, ये सांप ये कौन हो सकता हो, है तेरे सेवा कौन कौनो मकामे, तेरे सेवा कौन कौनो मकामे, तू ही बस यहाँ है तू ही बस वहाँ है, तू ही बस यहाँ है तू ही बस वहाँ है। वारे सगुण उपासक, कैसा तूने निर्गुण को पकड़ लिया, है तेरे सिवा कौन कौन, इस लोक और परलोक में तेरे सिवा और कौन है, यहां और वहां तेरे सिवा कौन हो सकता, अरे समझकर अपना दीवाना। आहा स्वामी राम बोल रहे सांप को देख देख कर इशारा कर कर, अरे समझकर तू अपना दीवाना मुझसे तो मुख छिपाते हो। हाँ हकीकत यूं है दर पर्दा की मोहब्बत आजमाते हो, आओ राम बहुत दिन हो गए गले मिले हुए, स्तुति कर रही अनेक जन अंत न पारावार, स्तुति कर रही अनेक जन अंत न पारावार, नानक रचना प्रभु रची, नानक रचना Oh,
बहुविधि अनेक प्रकार सत्यनाम शिवाय। क्या संतों की रिसर्च देखी मैंने, प्रातःकालीन 4:30 से 5 तक सुखमणि के माध्यम से स्वयं संत का दर्शन करने का प्रयास करता हूँ, निकट वालों को संत का दर्शन कराने का प्रयास कराता। अरे कोशिश करेंगे मैं भी दर्शन कर लूं संत के, तुम भी कर लो। पहले मैं कर लूं संत के दर्शन बड़ा दुर्लभ है, जो मैं कर लूंगा तो मुझे विश्वास है कि तुमको भी दर्शन करा ही दूंगा। पहले तो मेरा अज्ञान खत्म कर ले, तो मैं सोचता हूं कि फिर तुम्हारा अज्ञान भी दूर करने में मुझे देरी नहीं लगने वाली। क्या है सही मैं कह रहा था, पहले मैं संत दर्शन करना हूं, कोशिश करता हूं, लेकिन मैंने कर लिया तो मैं वो कंजूस नहीं बनूंगा। पैसा आ जाए तो कंजूस बन के बैठ जाओ, हाँ गुठली मार के सांप की तरह के मेरा, मैं ऐसा नहीं हूं पागल कहीं का, सांप बन के आना पड़ेगा मुझे। पहले मैं संत के दर्शन कर लू, मुझे विश्वास है कि तुम मेरे पीछे पड़े हो सारे, यदि मुझे संत का दर्शन हो गया तो तुमको संत दर्शन कराने में कोई विलंब नहीं होगा मुझे, और जब संत का दर्शन होगा तो संत की आड़ में भगवान छिपा मिलेगा मुझे, पता है पीछे से मुझे देखने लग जाएगा, शाबाश। क्यों, मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा था बेटा संत हंसा तो गोविंद फंसा, गुरुदेव की बात इस क्षेत्र सन्यास की भूमि पर कई बातें अब याद आ रहे हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा था बेटा जीवन मुक्ति का सुख प्राप्त करके जाना, ऐसे मत जाना, मेरा आशीर्वाद। उस वक्त मेरी समझ में नहीं आया लेकिन अब समझ आ रहा है, गुरुदेव का वह आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है। अब समझ आ रहा है कि जीवन मुक्ति का सुख क्या हो सकता हो, मानो गुरु जी ने आशीर्वाद यही था। अब मैं सोचता हूँ गुरु जी का दिया आशीर्वाद मेरा सफल हो गया है, बिल्कुल आनंद आ रहा है, क्या बताएं, मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता हूँ। श्रुति के इस वाक्य को जब सुनता हूँ, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंद परमोण विद्वान विभेति कुतुश्चनाः, जहां मन वाणी आदि रुक जाती है, अर्थात जिसका वर्णन करने में असमर्थता महसूस करती, अंत न पारावार, कोशिश करने पर भी नहीं थी अंत न पारा। क्यों, नानक रचना प्रभु रची, नानक रचना प्रभु रची, हमने नहीं रची वो, जीव की कृति का प्रसंग तो इतना ही, हम मकान बना ले बगीचा लगा ले, कृति का अहंकार आकाश को छू दे बस, लेकिन भगवान की कृति देखो, जरा जमीन हिला दे क्योंकि जमीन हमने नहीं बनाई, जमीन जिसने बनाई वही हिला दे तो हमारा सारा का सारा अहंकार मारा कफूर हो जाए हमारा। हम कितना भी कृति का अहंकार कर लें अपना, लेकिन भगवान की कृति के समक्ष आज तक किसी की चली नहीं। पिछले दिनों में जब मैं सवेरे 3 बजे लाए, 3:05 पर जब भूकंप हुआ यहाँ, मैंने देखा सड़क पर लोग सब अपनी कोठियों वाले बड़ा पड़े हो, ऐसा मेला सड़क पर लगा, मैं तो वहीं कमरे में बैठा रहा, हमने कहा मरना वहां भी मरना यार, यहाँ भी मरना तो छोड़ो यार। क्यों, गीतावादी जो है वो अपने आत्मा पर निर्भर होता है, अरे वहीं सड़क पर खड़े हो जाए और साथ की बिल्डिंग ऊपर गिर जाए मरना मर नहीं है क्या, बड़ा मुश्किल होता। अब हम उनसे पूछ रहे थे यार तुम्हारी कोठी थी तो उसको ताला लगाया, कहता यार आप ताला लगाने की बात करते हो, हम तो भाग के आए और भगवान जाने जो होगा दिक्कत, फिर कहां गई तुम्हारी बिल्डिंग, तुम्हारी कृति पर तो एक क्षण में पहुंचा लगता है, जरा जमीन हिल जाए तो तुम ताला भी घर का नहीं लगाते हो, छोड़ो वारे भगवत कृति अंत ना पा रहा, तेरा अनंतता को कौन पहुंच सकता है, मेरी बनाई हुई पूरे जीवन की संपत्ति माना हुआ संसार एक क्षण में तू ऐसा खत्म करके रखता है, हम तुम ये मेरा वो सब कहां है पता ही नहीं। एक वो सपन जो निद्रा का मैंने देखा, जो आंख खुलने पर पता न लगा कि नोट गिन रहा था सुपन में कहां चले,
एक मैंने जागृत का स्वप्न देखा, आंख बंद होने पर पता नहीं कौन कहां है। बारे दोनों सपने, क्या इन दोनों सपनों में ही मानव जीवन भी चला जाएगा? यदि उपनिषदकार कह रहे स्वप्नांतम जागृतांतम चा उभयो अनुपश्यति महांतम विभुम महात्मानम मत्वाधीरो न शोचति। निद्रा के स्वप्न, जागृत के स्वप्न के भीतर जो बैठा हुआ है देखने वाला, उसको जो अनुभव कर लेता है, यह अनुपश्यति महांतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न शोचति। तो धैर्यवान पुरुष बन गया, बड़ा भारी धनी है। सबसे बड़ा धनी वही है जिसके जीवन में संतोष का दर्शन मिल रहा होगा। क्या दारिद्रोही को यस्य विशाल तृष्णा, श्री वास को यस्तु समस्तु तोषा, सबसे बड़ा दारिद्र कौन है? शंकराचार्य जी के प्रश्नोत्तरी में शिष्य का प्रश्न है, वो दरिद्र है जिसकी तृष्णाओं का ही नहीं अंत आता है और जिसको संतोष है, सबसे बड़ा धनी है। संतोष परम धन है हमारा, संतोष विश्वास के मंदिर पर बैठने पर परम संतोष मिलता है। क्या भगवान की लीला का दर्शन करता रहता है उसको संतोष आता है। क्या लीला भगवान की देखी महाराज, खेली चलाने वाला सजी दुकान पे बिठा दिया महाराज, क्या हुआ? भगवान की बड़ी कृपा, लाठी निकल आई, मैंने दुकान खरीद ली। और सजी दुकान पर बैठा हुआ ठेली पे आ गया, अरे भी क्या बात है, कहते ऐसे कर्जे चढ़ गए, लोग तंग कर रहे थे, मैंने दुकान बेची, कर्जे चुकाई, अब यही ठीक है, कुछ चोरी नहीं कर रहा हूँ, चलो जी है ठेली पे बेच के दिन भर में 200-400 रुपया कमा लेता हूँ, खा लेता हूँ। वारे भगवान तेरी कुदरत, कुदरत कौन करे विचार, वारे न जावा एको वार, जो तुझ भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। सत्यनाम श्री, ये संतों की वाणी की खोज में जब मैं लगा हूं तो कितना संतुलन देते हैं हम, कितना सांत्वना देते हैं हमारा संतुलन बनाए रखने के। करोड़पति भी है, संतुलन खो गया तो पागल हुआ पड़ा है, और पागल है। थोड़ा भी मिला है संतुलन बन गया है, काफी है तुम्हारा, उस जैसा सेठ भी मैंने नहीं देखा। मेरे जीवन की खोज में ऐसे ही रहा है हमारा, क्योंकि मेरी पोस्ट ऐसी रही है, एक दरिद्र से लेकर अरबपति तक आता है, अभी तक आ रहे सब। मिल मालक यहाँ आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, कौन मुख्यमंत्री आते हैं, राज्यपाल आते हैं, क्या है? लेकिन मेरी दृष्टि के कोण में यही लगा है, जिसका संतोष देखो जितना, बहुत बड़ा धनी और करोड़पति भी है, और अभी और अभी और अभी और की तृष्णा में जलता दिख रहा है। अरे दरिद्र होकर यहां से जाएगा, निश्चित है कि जो जन्म लेगा फिर भी दरिद्री होगा, और दरिद्री की योनि है पशु पक्षी की पतंगा, पशु और पक्षियों को जितना खिलाओ वो खाते चले जाएंगे, थोड़ा गुण गाएंगे फिर चौंच लगाएंगे, फिर थोड़ा गुण गाएंगे चौंच लगाएंगे। दारिद्र है महाराज, यही कारण है कि जो ज्यादा खाने लगे उसे कहते हैं तू पशु तो नहीं है, पशुओं की कहावत है, जितने बार खिलाओ खिला ले, बस पता नहीं कहां जा रहा होता है। पशु का इसलिए मतलब रखा, पक्षियों को जो जितना मर्जी रोक लो, थोड़ा घूमेंगे फिर चौंच मारने आएंगे, छोड़ेंगे नहीं, चोंच मारेंगे। पशु पक्षियों की जीवन जाए, मानव जीवन इसके संभालने के लिए, सास संभाल के लिए ही संत और सदगुरु का यहां पर अवतरण होता है मानव। हाँ, एक तो कृष्ण राम आदि अवतार होते हैं महाराज स्वेच्छा से, एक उनके द्वारा अवतरण करे जाते हैं संत और गुरुजन, विशिष्ट आत्माएं, आम नहीं खास। हमारे गुरुदेव भगवान करते थे, बेटा साधु और साधक खूब मिलेंगे जीवन में, लेकिन उसी की सेवा में लगा रही हो, उसी में छिपा हुआ संत भी मिल जाएगा तुमको, और जहां संत मिला तो भगवत मिलने में देरी नहीं लगेगी। मैं उसी सिद्धांत को लेकर, अपने गुरुदेव भगवान के सिद्धांत को लेकर चलता रहा,
भगोड़ी आया उसके पूजन करा, मैं इशारा भी मिला महात्मा, कई इशारा पी क्या जाते हैं, काली माँ के उपासक है, वो सोचता है ये मंत्र भी काली माँ का, तो ये भी हमको और पिला देगा, खुद भी पी, इस करके आते हैं पी पाती, हमको देख के खुश होगा वहां का मंत्र, वो तो हमको और बोतल पकड़ा देगा, खुद भी पी लेगा, लेकिन यहाँ का मंत्र ऐसा नहीं है। जिस माँ को वैष्णव भी राधा यशोदा के रूप में सेवन करता रहा हो, न जाने कैसे रसिक रसना के लोलुप वालों ने, स्वाद के लोलुप वालों ने ये प्रसंग लगा दिए कि माता जो है ये मुर्दे खाती है, ये मुर्गा खाती है, बकरे खाती है, शराब पी, ये ऐसा कुछ थोड़ी नहीं, रहस्य हैं वेदों में भरे हुए, उन रहस्यों को कोई खोलने वाला नहीं मिला, तो मन घृणित कल युग में मारा इन लोगों ने, महिषासुर महाराज भैंसा बन गया, मायावी रूप था तो उसको मैया ने मारा, ये थोड़ी कि भैंसे से खुश होती है, कामा का हजारों भैंसे चढ़ाई जा रहे, तुम मेरे कलयुग के प्राणियों कहां ये पाप भुगतोगे तुम लोग, रक्त बीज ना जाने कैसे कैसे रूप बनाता रहा, मैया उसको बनवंस करती रही, अब इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम मुर्गे मार दो, तुम बकरे मार दो, मां खुश होती, मेरी समझ से बाहर हो गया मां, हमारे यहां ये प्रसंग कहीं भी नहीं मिलता, कथाएं मिलती हैं तो विलीला से युक्त है महाराज, भगवान मृग के पीछे जाए हैं तो महाराज माया स्वेच्छा से जा रहे हैं, लीला है उसमें छिपी हुई, और हम मृग को मारे तो लीला नहीं महाराज, बहुत बड़ा अपराध है महाराज। हाँ, ये सारे प्रसंग समझने के बिना, किसी संत और सदगुरु की सानिध्य लिए बिना, तुम मानव जीवन में पहुंच करके भी जीवात्मा तुम मानव नहीं बन सकती हो, कौन कहेगा तुमको तुम मानव हो, यदि मानव उचित कर्म नहीं हुआ है तो ये निश्चित है कि दोबारा फिर मानव जीवन मिलने वाला नहीं, फिर पशु पक्षियों में जाओ 83,99,999 योनि, इस मूल की सुरक्षा करनी है तो संत और सदगुरु की सानिध्य में पहुंचकर समझने का प्रयास करो कि मानव का उद्देश्य क्या हो सकता होगा। मैं इस विश्वास के मंदिर की ध्वनि सुन सुनकर अब मैं अपना 50वां वर्ष पूरा करूंगा बैठने का, 2004 में मैं गौरव से कहूंगा कि मेरे 50 वर्ष हो गए तुम लोगों में रहते रहते, हाँ मैं कहीं भाग से भाग करके महात्मा बन के नहीं आया, मैं तो महात्मा बने नहीं, मार गुरुदेव ने मुझे कहा था बेटा सरस्वती तू पढ़ा लिखा है नहीं तो सरस्वती की उपासना कर ले थोड़ी गायत्री, लेकिन जब बैठ अनुष्ठान में तो पीत वस्त्र बैठ पहन के बैठना, तब से पीत वस्त्र पहन लिए, गुरु जी ने कहा नहीं उतारो तो मैंने उतारे नहीं, पहने मैंने खुद है, बस गुरु जी ने कहा नहीं पहने को तू कहा था पीत वस्त्र पहन के तू गायत्री की उपासना 125,000 गायत्री का अनुष्ठान कर लेना बेटा, बड़े ब्रह्मनिष्ठ पुरुष थे महाराज गुरुदेव, मेरे गुरुदेव ऐसे रहे हैं जिधर से मुख लगाओ जैसे मिश्री का डला जिधर से मुख लगाओ मीठा, सगुण उपासकों को सगुणता में खूब लगाया, मैं जानता हूँ मैं जो सगुण उपासक देखकर मुझे बड़ी विचित्र विचित्र बातें सुनाते रहे, चाहे थोड़ी देर सुनाते रहे, ऐसे गुरुदेव महाराज पूर्ण रूप से मुझे उन्होंने यही कहा कि तुम्हें पढ़े लिखे कम हो ना तो जो संकल्प है तुम्हारा ठीक है, लेकिन एक अनुष्ठान गायत्री का पीत वस्त्र पहन के कर लो, तब हमने पहन ही पी, उसके बाद फिर मन नहीं माना क्योंकि बहुत कुछ मिल गया, अब जिससे मिल गया तू काहे को उतारे कपड़े, ये कपड़े ठीक है मेरे पास रहने दो जो पहने पहने ही तो है कोई पहनो, फिर ये भी सुन लगा था कि ब्रह्मचारी के लिए पीत वसन और श्वेत वसन ये दोनों ही ठीक रहते हैं, यार चलो भाई पीत पहने या श्वेत पहने, तो इसलिए भैया मैं कुछ महात्मा संत तो बना नहीं हूं, वो तो भगवान जाने में क्या, मैं कभी नहीं कहता हूं मैं सन्यासी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थी हूं, वानप्रस्थी हूं, अगर मैं कहता हूं मैं ब्रह्मचारी हूं तो वो तो वही बात हुई, सो बिल्ली सो चूहे खा के बिल्ली अजकरण चली, महाराज 83,99,999 योनि भोग के आई और उसके बाद हम कहे हम तो ब्रह्मचारी हैं, महाराज बोलो कुछ है नहीं, जो तुम हो ना भैया वो भगवान तुमको अच्छी तरह जानता है, चुप रहो बस, बोलोगे तो फंसोगे कहीं ना कहीं, तुम्हारा अहंकार तुमको फंसाएगा, मैं सन्यासी हूं फंसाएगा तुमको अहंकार, बोलो नहीं कुछ, जो कुछ हो भगवान से छिपा नहीं है।
इन और सब वो जानता है तुम्हारी, और किसी से छिपा लो वो सब जानता है। तुम काहे को कहे तुम सन्यासी, उसको पता है तुम सन्यासी को क्या हो। हाँ, जब से चल के आए वो सारा प्रसंग उसको पता है हमारा। एक का लड़का खो गया, 20 साल में जाकर मिला किसी ने, कहा तेरा लड़का तो वही लग रहा, तो सबने कहा कि कोई नहीं पहचान सकता, माँ पहचानेगी इसको। माँ के सामने लाया, माँ ने कहा कि मैं देखना चाहूंगी, जब मैं स्नान कराती थी ना तो उसके बाएं तरफ पर एक काला चीन था। गुप्तचरों से कहा मैं उसको देखना चाहूंगी कि वो है कि नहीं है। दिखाया गया, देखा तो चिन्ह मिला काला। मां रोने लगी, मेरा शोक, गले लगाया उसको 20 साल के बालक। ऐसे मेरे ठाकुर है महाराज, कोई जाने ना जाने मेरा सारा प्रसंग उसको पता है। मैं उसके पास पहुंच जाऊं तो वो मुझे पहचानता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान न हो जो जान न हारा, जैसे बच्चे का कोई भी अंग प्रत्यंग माँ से छिपा हुआ नहीं है। मेरे संग के साथियों, हमारा भी कुछ छिपा हुआ उस परमात्मा से नहीं है, उसी को मैं विश्वास के मंदिर की सेवन करके चल रहा हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं, जैसे माँ बच्चे को अच्छी तरह जानती है, ऐसे तू मुझे अच्छी तरह जानता है। किसके योनि में तू ले गया तू मुझे जानता है। मेरे कर्म की भूमि ने कहां कहां मुझे रखा है तू सारा जानता है। इस जीवन के भी मेरी कर्म भूमि का तू साक्षी रहा। मैं बैठे बैठे अब तो मेरा सेवा कार्य ये जो माइफिल का है वो 3 दिन बाकी रह जाएंगे हमारा। 3 दिन और हम आप लोगों को कष्ट देने वाले बनेंगे, क्योंकि तुम लोग सब काम काज वाले लोग हो, हम निकम्मे हैं हमारा। फिर तुम लोगों का समय हम नष्ट करते ही हमारा, लेकिन नष्ट नहीं करते, फिक्स करते हैं हमारा। ऐसे बैंक में फिक्स कर रहे हैं तुम्हारा समय। यहाँ के बैंक में फिक्स करो तो फेल हो सकता है, लेकिन वहां का ग्रेंटर कह रहा है कौन तया प्रतिदानी, उस बैंक का ग्रेंटर बोल रहा है हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं और तू भी निश्चय करके रख, तब काम बनेगा तेरा, कि मेरी की हुई भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। इस समय जो तुम लोग बैठे हो, हम ग्रेंटर ठाकुर की ओर से बनते हैं तुम्हारे, तुम्हारा इस समय ये नष्ट होने वाला नहीं, फिक्स डिपॉजिट में हो रहा है, उस बैंक में नहीं हो रहा है फिक्स, जो फेल होने की भी संभावना हो सकती है, वहां हो रहा है फिक्स, चक्रीदार ब्याज देने वाला है पूरा। क्या प्रमाण है? कहते फिक्स डिपॉजिट की पड़ी हुई संपत्ति तो मेरे काम आ रही है। क्या आपको मेरे को देखकर भी और कोई प्रमाण तुमको चाहिए होगा? अनुमान प्रमाण प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, घर में बैठकर गृहस्थियों में रह करके हाँ 50 वर्ष काट लेना हमारा, क्या इससे बढ़कर तुमको दिखता है कि पुरानी संपत्ति मेरे काम आ रही है? ठाकुर ने प्रतिज्ञा कर रखी है मेरी की भक्ति नष्ट नहीं होती, भले मैं नहीं मिलूंगा तो उसको दोबारा फिक्स डिपॉजिट उसका जो समय भजन भजन होगा, फिर कहीं मीरा बना के बिठा दूंगा, कबीरा बना के बिठा दूंगा, सर्वदास बन के घर में बिठा दूंगा, कोने में चारों तरफ गृहस्थी घेरे होंगे, कहीं शराबी क्वाबी घेरे होंगे, खूंखार बनवाल हजारे वाल होंगे, सारे के सारे उसके पीछे लुढ़क करके वो भी शुद्ध कंठीधारी बन के रहेंगे। किसको क्या पता है? क्या फिक्स डिपॉजिट यदि मेरा नहीं है तो मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण लेकर के फिर तुमको अनुमान प्रमाण का सोचना नहीं पड़ेगा। ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण तो तब हो जो कथा के रूप में, यहां तो सामने पड़ा हुआ है। भैया तुम पिक्चर देखते हो तो शूटिंग पिक्चर होती है, कहीं कहीं शूटिंग होके आई है बनावट, लेकिन अपने जीवन की पिक्चर देखो तो शूटिंग नहीं आई। अगर उसी को देखना ढंग से शुरू करो, बंद करो टीवी वगैरह देखना, ये जो तुम अश्लील चित्र देखते हो पिक्चर देखते हो, अपनी पिक्चर देखना शुरू करो, देखो तुमको क्या मिलने वाला है। उसने तुम्हारी आंखें गवाई, याद रखो उस पिक्चर ने तुम्हारी बुद्धि खराब करी उस पिक्चर ने अश्लील, लेकिन अपने अपनी चित्रावली अच्छी तरह चिंतन कर लो, तुम्हारी बुद्धि को भी ठिकाने कर देगी,
तुम्हारी आंख भी ठीक रख देगी, तुम्हारे कान भी ठीक करेगी, घंटा राम बनते हैं तुम्हारे। अरे शूटिंग वाली पिक्चर देखने के लिए हजारों आदमी कूदते हो भैया, विश्वास के मंदिर पर बैठे। आज गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस का अवसर है तुम्हारा। ये जो आप तुम देख रहे हो आश्चर्य मना रहे हो, ये चीज कैसे हुए? अरे भाई इसके पीछे इतिहास छिपा हुआ है महाराज। किसी तीर्थ पर चले जाओ महाराज, तीर्थ की खोज में लोगो तो कोई संत मिलेगा तुमको वहां। बिना संत के तीर्थ उज्जवल नहीं होगा। इस मंदिर की खोज में आगे चलकर, अब तो जो देखा जा रहा है ठीक, आगे चलकर इसकी खोज में जब पहुंचेंगे तो वहां ये मरा पीटा फिर एक बाबा मिलेगा इसके नीचे, इसके अंदर दबाव मिलेगा। क्या पता चलेगा बाबा दबाव पड़ा इसके अंदर। किसी तीर्थ पर भी जाओ तो उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य मिलेगा। आज मेरा ये भैष्य भी किसी रहस्य को दे रहा है। परम भक्त हमारे गुरु भगत सिंह जी चावला, जो से पहले वही मेरे ऐसे रहे महाराज, जिन्होंने जबरदस्ती हमको भ्रमण शुरू कराया, भ्रमण करो बैठे रहोगे टांगे पकड़ी जाएंगे। और ठंड के दिनों में महाराज 40 वर्ष तक तो मैं पूरा ठंडे पानी से नहाता रहा, अब 10 वर्ष हो गए कि गुनगुना पानी ठंड में ले रहा हूं, बताओ। वो भी एक महात्मा के आग्रह पर ले रहा हूं। उसने एक ऐसी पहली डाल दी, बाबा गर्मी में पंखा क्यों चलाते हैं? ये प्रश्न है, हवा नॉर्मल करने के लिए। इतना ठंड में भी गुनगुना इसलिए नहाया जाता है कि हवा नॉर्मल हो जाए, नहीं तो शरीर कभी भी हवा खा जाएगा। बूढ़ा शरीर 80 साल के महात्मा ने उपदेश करा, तब से 10-12 वर्ष हो गए कि मैं ठंड में गुनगुने से नहाता हूं, नहीं 12 महीने मारा ठंड से। ये गुरुभक्त सिंह चावला सवेरे ठंड के दिनों में जल्दी आकर हमको पकड़ ले, नहाने नहीं दूंगा अभी, चटाई चटाई पर लेटा करके बच्चे की तरह सारी सरसों तेल की मालिश कर देता, कहता आप जाओ ना हो। उसके बाद हमने मालिश करवाई नहीं कभी। मालिश किसको कहते हैं, केवल याद आए कि उन्होंने मालिश किया, ना जाने कौन था वो। और फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन आया तो बाबा मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा पूरी कर दो। क्या मैं आपको स्वरूप दूंगा, आपके पास बैठ के सुखमनी पढ़ूंगा, आपको सुखमनी प्रिय लगती है माता माँ के नाते पर, और आप उसका अर्थ देना मुझको, आपके अर्थ बढ़िया निकलते हैं, ऐसा काम से वो पढ़ता जाए और हम अर्थ दें और रोता जाए महाराज। जब शरीर छोड़ने लगा, 27 साल हो गए शरीर छोड़, कितने साल हो पिताजी को शरीर छोड़े? 28 साल हो गए। 28 साल पूर्व जब पैरालिसिस में अधरंग में पक्षाघात में पड़ा हॉस्पिटल ढूंढ, ये भागा आया, पिताजी आपको याद कर रहे हैं। हम उस समय भागवत सप्ताह में थे, एक विद्वान सप्ताह भागवत कर रहा था, उसी के भीतर जब इंटरवल हुआ दोपहर का, थोड़ा विश्राम हुआ भाग, मैं इनके संग चला, यद्यपि अनुष्ठान में था मुझे जाना नहीं चाहिए, लेकिन वो ऐसे महापुरुष निकले महाराज, क्या पता। उन्होंने एक भजन बना रखा था, भजन में सुनाते थे कि जब मेरा अंतिम समय हो तो मेरा सिर आपकी गोद में हो। हमने पूछा क्यों याद किया, इशारे से कहा मेरे बैठ जाओ पलंग पे, बैठना पड़ा। पहला जीवन में कि मरीज के पलंग पर मुझके उसके सिर के किनारे बैठना पड़ा, बैठ गया। अपना सिर खिसकाते खिसकाते मेरी गोद में ले आया। मनो इशारा दे रहा है कि पहले मैं गा रहा था, अब वो दिन आ गया है, बताओ। हमने पूछ लिया तुम क्या जा रहे हो? हिलाया हाँ। फिर हमारी सेवा कौन करेगा जो पगड़ी बांधते हो गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन? उन्होंने फौरन अपने बेटे के सामने खड़ा महेंद्र सिंह का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर मेरे हाथ में दे दिया, ये आपकी सेवा करेगा। यूं कहकर ये भी उस समय रोने लगा। उसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़ के रखा, लड़की को बुलाया, घरवाली को बुलाया, तेरे जीवन पहला जीवन की घटना है कि उसने हमारा हाथ हर एक के सिर पे खड़खटाया, मानो इशारा कर रहा है देव इनको आशीर्वाद, देव इनको आशीर्वाद, देव इनको आशीर्वाद, ये बने रहे आपके बने रहे, देव इनको आशीर्वाद, बताओ। आत्मा सुधरी हुई आत्माएं कोई कोई जब जगत में आती हैं वो कोई न कोई चमत्कार दिखा के चली जाती। अब उसकी याद में अब 28 वर्ष से उनका शरीर गया,
ये सवेरे सवेरे चला आता है 4 बजे सर, पिताजी की याद में, पिताजी मेरी ड्यूटी लगा के 74-73 साल की उम्र हो गई, लेकिन फिर भी बड़ी दूर से चल के आता है इस ठंड में, पिताजी की याद में। वाह, कोई बिरला ही पिता और माता के पाद पद्मों पे चलने वाला होता है, उसको हमारे यहां सुपुत्र कहते हैं, सुपुत्र है। आज की तिथि पर इसलिए स्मृति कर रहे हैं, जैसे इसको देख के लोग आश्चर्य मना रहे होंगे, बाबा आज कैसे ही भेज बना के बैठे हुए। अरे भाई, जैसे तीर्थ के पीछे खोज करो तो कोई ना कोई महात्मा मिलता है, ऐसे इस भेज के पीछे भी किसी की आत्मा मिल रही है, जिसने कुर्बानी दी। सवेरे सवेरे 3 बजे चले आना घर से, बारिश हो, ओला हो, कुछ हो, जब जिस आप पढ़ते पढ़ते घर से चले आते, आज उसके प्रसंग का ये सामने खड़ा है। इतनी उम्र में भी सवेरे सवेरे भागते, 4:30 भाग आता है, बाबा मेरी पिताजी की सेवा थी। ठीक है, देखो इतिहास के बिना कोई प्रसंग मिलेगा नहीं महाराज, कुछ भी देख लो आप, इस मंदिर का इतिहास तुम पढ़ने नहीं पाओगे। मैं तो मौजूद हूं, कैसा मैंने इसको पढ़ा देखा, अब तो आनंद लेते रहोगे तुम लोग। जिस माली ने इस बगीचे को सजाया लगाया, माली भले ही नहीं रहा हो, छिप गया हो, अदृश्य हो गया हो, लेकिन मजा लेने वाले दे रहे हैं, सुगंध ले रहे हैं, फल खा रहे हैं, घूम रहे हैं, वही हाल मेरी इस बगीचे का। 50 वर्ष का मैं स्वयं देख रहा हूं, ये कौन कौन आई, कैसे आई, 50 वर्ष के भीतर महाराज एल्बम इतनी बनी पड़ी है कि हजारों चित्र हैं उसमें। उसमें आप देखो, कभी देखो एल्बम्स, कोई जिज्ञासा करे तो देखो, अलग उसकी अलमारी है, हजारों चित्र मेरे मिलेंगे, हजारों मेरे भक्तों को मिलेंगे, उसी में हजारों चित्र जो है लापता हो गए, अब कहां उनकी खोज कराए, हम देखते ही देखते सब चले। अब थोड़े बहुत उस वक्त के मेरे जमाने के जब से बैठा हूं, इन्हें गिने 2-4 महाराज लड़खड़ाते घूम रहे, कहीं सो रखे हैं, कहीं हार्ट के पेशेंट है, बस वहां पर तरसते रहते हैं, बाबा ऊपर नहीं चढ़ सकते, 2-4 रह गए महाराज, ज्यादा नहीं घुमा, चिपे गिपे, कहीं को पड़ा, कोई कहां पड़ा, बताओ। लेकिन लगाने परिश्रम जो उनका है, आज कितनों को फल देने वाला बन रहा है बताओ। मानो वो इस मकान की, इस बिल्डिंग की नींव के पत्थर बन चुके हैं, वो जो बोल कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने किया आज जो देख रहे हो, तो वो थोड़ी खुद बोल रहा है जिसने ये प्रसंग लगाया हमारे से, वो तो कहीं इसके भीतर मरा पड़ा है, छिपा पड़ा है, लेकिन फिर भी अमर हो रखा है, क्योंकि स्मृति पटल पर प्रसंग लगा रखा है। सोचो किसी को संत यदि याद करता हो समय, मानो अमर है वो, चला कहां गया। इसलिए संत शरण जो जन परे, सो जन उधर निहारे, संत की निंदा नान का, बहुरे बहुरे अवतार, सतनाम श्री वाहे गुरु। गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन पर आप हमारा ये रूप देख रहे हो। अब महेंद्र सिंह पूछने लगे, बाबा मेरी बात क्या होगा, हमने आपकी बात तो भावी, अवल तो हो सकता है आपसे पहले कहीं यही शरीर जाने वाला, क्योंकि हम तो हर वक्त तैयारी लग रहे हैं, और नहीं तो आपकी बात तो भाव, क्यों बहुत मुश्किल है, बाल बच्चे वैसे बन जाए मुश्किल है, एक बन गया अब सारे थोड़ी आ रहे, इस तरह से थोड़ी लगन लगा रहे, एक को लग रखी है पिताजी के वक्त हमारे बाबा के, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल निभाना है मोहब्बत, इसी को इस विश्वास के मंदिर की ध्वनि है। अशोचानन अशोचतम हे अर्जुन, न चिंता करने योग्य तू चिंता न कर रहा है कि मेरे बात क्या होगा, बताओ ये कह रहा मेरे बात कैसे होगा। गीता का प्रथम श्लोक है, मानो गीता का आरंभ यहीं से होता है,
का से होता है। श्री गीता जी का विराम कहाँ जाता है? ये जो सर्वधर्मान परित्यज्य है ना, उस श्लोक का गुरुवाणी का चिंतन कराता है। जिस ठाकुर सुना ही चारा, ठाकुर कीजे सत नमस्कारा, ठाकुर कीजे सत नमस्कारा। देखो क्या समता है उसकी समीक्षा। ना चिंता करने योग को तू चिंता करता है, अर्जुन से कह रहे, और पंडितों जैसे की बात करता है, कथावाचकों को वक्ताओं को भगवान इससे डांट लगा रहे। भीतर चिंतन हो रहा है, आपकी बार इतना चढ़ावा चढ़े कि मेरे आश्रम का कमरा सेट हो जाए, ऊपर से कथा जाड़ रहा है जगत मिथ्या। भगवान कह रहा है ना चिंता करने की युग चिंतन कर रहा है, पंडितों जैसी वचन जाड़ रहा है जगत मिथ्या है। तेरे भीतर लग रहा है कि खूब आ जाए, फर्श पड़ जाएगा मेरे कमरे। अशोचानन वशोच स्प्रंग प्रज्ञावादास। अरे पंडितों से जैसे भजन कहना जानता है, तू भजन करने लग रहा है मैदानी जंग में, लेकिन लक्षण तेरे वो नहीं नजर आ रहे, लक्षण तेरे चिंता के नजर आ रहे। काय की चिंतन करता है? अरे भूत का पश्चाताप मत करो अर्जुन, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान देख ले बहुत बढ़िया है, बस बड़ा ही बढ़ाता जा। वर्तमान बढ़िया है तो भविष्य की चिंता ही छोड़ो, बढ़िया हो ही जाएगा तुम्हारा। जिसका पुत्र कमाऊ है तो महाराज उसको उसके लिए रखने की चिंतन क्या है, अपने आप कमा के खाई लेगा। जैसे मुझे बाप ने बनाया वो भी कमा के खाएगा, मेरे से ज्यादा खा लेगा। वाह। और यदि पुत्र तुम्हारा बेकार शराबी कॉपी है तो उसके लिए भी क्या रखना है, तेरी सारी जिंदगी की कमाई जो हमें खत्म कर देगा, तेरा मानव जीवन फिर कहीं पशु पक्षी की योनि में चला जाए, फायदा क्या है तुमको। इसीलिए कह रहे हैं भूत का पश्चाताप मत करो, कब क्या था कैसे था, अरे क्या को भूत पीछे चिपटा था। और भविष्य की चिंता मत करो, प्रेत क्यों लगाता अपने पीछे, पोते के काम आएगा, दोते के काम। पहले तेरे काम आना बहुत जरूरी है, तेरे काम में यही है। यज्ञदान तपा कर्म यज्ञोदान तपस्या एवं पावनानि। ये अर्जुन यज्ञ दान तपादि कर्म मनुष्य को कंठ प्राण तक नहीं छोड़ने, क्योंकि और किसी योनि में ये हो नहीं सकना। कौन हवन करेगा जाकर, कौन दान करेगा, कौन पुण्य करेगा, बताइए। अब भगवान ने दिया है तुमको मानव जीवन, केवल पैसे पे निर्भर नहीं कि पैसा हो तो दान करेंगे। अरे बहुत कुछ भगवान ने दिया है, तुम खोज करके देखो तो तुमको क्या नहीं दिया भगवान ने। तुम पैसे ही कोई प्रधान मानते हो, पैसा हो गए तो हम दान करेंगे। अरे पैसा ही दान करने वाला प्रसंग, बहुत कुछ दान के लिए मिला हुआ है। करना जानो तो बहुत कुछ दान के लिए, पहले तो वाणी तुमको ऐसी मिली है, इसका ऐसा दान करो महाराज। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे, आप हूँ शीतल हो। तुमने एक ही मान रखा है, पैसा होगा तो दान करो। अरे भाई वाणी का आप दान करो, इतना मधुर वाणी भगवान ने दिया, पैसा क्या करोगे। पैसा तो बिल्कुल निगरणी चीज है, उन लोगों के लिए जो पैसे वाले हैं, बाकी क्या पैसा है तो करो दान, नहीं है तो वाणी का दान करो, मन का दान करो, मन से भगवान को पुकारो। हमको अपने महंत तोताराम जी की याद आती है, आगे चल के चिदघनानंद जी नाम पड़ा सन्यासी, हमारे पिताजी का नाम भी हमारे तोताराम, उनका तोताराम एक कमल ने। हाँ तोताराम की बड़ी विचित्र फर्म थी महाराज। हाँ तोताराम दोनों पार्टनर थे, हम पुराने बल्लू से उनको जानते थे, हरिद्वार में भी जानते, उनका कैसी फर्म रही महाराज। तो तोताराम थे महाराज, तो बड़ी विचित्र गृहस्थ में रहने के बाद क्या वैराग हुआ और संन्यास लेकर के चले महाराज। क्या कहने जा रहे थे हमको ध्यान ही नहीं रहा, जिससे इनकी याद आ गई हमको। मैं
अच्छा भाई, जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। हाँ, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए। उससे पूछा भी, संन्यास कैसे ले लिया, तुम तो करोड़पति हो, कहने क्या बताएं। हाँ, मेरे बेटे ने ऐसी वाणी दे दी, न जाने कितने बार बोला, लेकिन एक वाणी ऐसी मिली है। मैंने कहा मैं घर में मुंह दिखाऊंगा नहीं, अब मैं जानू, मेरे संत जाने। तब संन्यास लेना पड़ा मुझको, अब मुझे ठीक है, आनंद आ रहा है। ऐसी वाणी बोलिए, सुना है कि जिस पुत्र ने वो वाणी का ऐसा दान किया था, उसकी बड़ी दुर्गति हुई, बड़ी मुश्किल से प्राण गए उसको, बताओ। इसलिए ये मत सोचो कि पैसा होगा तो दान करेंगे, पैसा है तो जरूर करो दान। जो भगवान ने दिया है तो गुरुवाणी कह रही है, जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे, प्रभु की आज्ञा माने माथे, इस्ते चौगुण करे निहारे, चौगुण करे निहारे, नानक साहिब सदा दयाल। नानक भगवान ने दिया तो भगवान का मन करके अर्पण करो, उसको मना नहीं। लेकिन भगवान ने बहुत कुछ दिया है मानव को, उसकी खोज में लग जाओ तो तुम्हारे पास इतना माल पड़ा है, तुम कंजूस मत बनो, वाणी को मधुर बनाओ। इस वाणी के दान से भगवान खुश होने वाले हैं। हर प्रसंग अपना निरीक्षण करो, तुमको क्या नहीं दिया है, तुम केवल प्रधानता मान रहे हो पैसे की, क्या नहीं दिया है? देखो तो से एक गया गृहस्थी महात्मा के पास, भगवान का ना भला हो, उनको बड़ा गरीब का रहा है, रोटी भी कभी कभी नहीं नसीब होती। महात्मा ने कहा इधर आ, हल्ला मत कर, एक अंगूठा काट के यहाँ फेंक, 1,00,000 रुपया ले जा, ले जा। क्यों फेंको अंगूठा, फिर तेरे को क्या नहीं दिया? एक आंख निकाल दे, 10,00,000 रुपया ये ले, मेरा पड़ा बैंक, चेक काट देता हूँ, एक आंख निकाल के यहाँ रख ले, ये कटारी ले। कमाल की बात है, फिर आंख कैसे आ जाएगी? क्या नहीं दिया तुमको? अपने कर्म करो महाराज, क्या नहीं दिया? सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही न नर पावत नाही, महात्मा ने कहा भी तो हल्ला मचाता, भगवान को गालियां देता, इधर आ तो अंगूठा काट, ये ले कटारी, 1,00,000 रुपया भी ले जा, है अंगूठा फिर कैसे आएगा? ये मेरे मतलब नहीं है, चलो आंख निकाल, 10,00,000 का चेक अभी देता हूँ, बैंक में मेरा रखा, ये ले। अरे ऐसे कैसे हो, आंख फिर कैसे आएगी? फिर बता क्या नहीं दिया भगवान ने? खबरदार तूने भगवान को गाली दी, अपने को गालियां दे। हाँ सच्चे साहिबा क्या नहीं कर तेरे, कर तो तेरे सब कुछ है, जिस देवे सो पाए सदा सिफत सदा तेरिया, नाम मन वसाए नाम जिनके मन वसिया, वाजे शब्द गहरे रे, कौन नानक सच्चे साहिबा क्या नहीं कर, सत्यनाम क्या नहीं तेरे घर में। इसलिए अपने को गालियां देने लग, भगवान को काहे को गाली देता? तूने कर्म ऐसा नहीं किया जो तुमको मिले, तेरे सामने टाटा बिरला कोई आकाश से कूद के आए, किसी कर्म से बने हो? हर व्यक्ति सेठ बनता है कर्म से बनता है, कोई अच्छा महात्मा, महाराज ऐसे ऐसे महात्मा आते हैं, महीना भर कथा करते हैं, चढ़ाव में 2,400-500 चढ़ता, उसी में 2-4 दिन के लिए कोई आ जाता महाराज, वो ऐसे गा बजा करके 4,000 रुपया लेगा, वो जलता रह गया, बाबा ये क्या बात हो गई, मेहनत मैंने करी, जनता मैंने जमाई, 4 दिन में 4,000 ले गया, निछावरी चढ़ गई, और मैं महीना भर लगा रहा 300-400 रुपया निछावरी चढ़ी, क्या बात है, हम यार तू 500 और ले ले हमसे, हल्ला मत कर, उसको गाली मत। भाग्यम फालती सर्वत्र विद्या न च पौरुषम, क्या काम करेगा तुम्हारा? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। क्या करें भैया, मैं विश्वास के मंदिर पर बैठा, अंतिम चरण पर लगा हूं विश्वास के मंदिर पर,
बोलता रहता हूँ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू, मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू, मैं आपको, कंठ प्राण तक मैं आपको न भूलू, क्योंकि आप ही मेरे साथी हो, ठाकुर मेरे हैं, ठाकुर मेरे हैं, मैं ठाकुर का, मैं ठाकुर का, उनका मेरा संबंध, उनका मेरा संबंध अनादि काल से है, अनादि काल से, इसका भी छेद कोई नहीं कर सकता, इसका भी छेद कोई नहीं कर सकता, इसलिए हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूल, मैं आपको भूल, अब तो मेरी सेवा कार्य में इस ड्यूटी पर बैठे बैठे, क्योंकि मेरी कर्म भूमि जब मैं चिंतन करता हूँ ना, मेरी कर्म भूमि शमशान भी रही महाराज, तीन बार दो दो महीना रहा कर्म भूमि, मेरी कर्म भूमि गुफाएं रही तीन बार दो दो महीना रहा, कहां कहां मेरी कर्म भूमि ले जाती रही, फिर कर्म भूमि नौ वर्ष लगातार अपने गुरु स्थान अद्वित आश्रम में अपनों से अपनी बात करने में लगा रहा, बाउंड रखा था नौ वर्ष लगातार, फिर मेरी कर्म भूमि गुफा में ही 300 करीबन रिकॉर्ड तैयार हो गई, हे मेरे मनवा बाबू, अब मेरी कर्म भूमि ऐसे बिठा गई, कहा मेरी कर्म भूमि 10-15 किलोमीटर रोज घुमा रही थी, अब मेरी कर्म भूमि केवल 80 मीटर रह गई, यही घूमता रहता हूँ, गौओं की सेवा करता हूँ, यही भ्रमण हो जाता है मेरा, 10वां साल हो गया मुझको बेटा, अब मेरी कर्म भूमि यहाँ पर पड़ी पड़ी 230 दिन पहले, वैसे तो कई दिन से विश्वास के मंदिर की बात हो रही थी, लेकिन 230 दिन पहले मुझे आई कि अब 1 जनवरी नया वर्ष है, 13 स्वर्ण जयंती है, बैठने की स्वर्ण जयंती, बैठने की स्वर्ण जयंती 50 साल हो जाएंगे मेरे, और इस मंदिर की भी स्वर्ण जयंती है 50 साल हो जाएंगे, 1954 में महाराज 1954 में इसका प्रागट्य हुआ मंदिर का, इसका तो 50वां वर्ष होगा, और मेरा बैठने का 50वां वर्ष हो जाएगा, इसका अब हो रहा है 30 मार्च को, और हमारा फिर आगे जो गंगा दशहरा आएगा उस समय 50 वर्ष हो जाएगा। अब इस स्वर्ण अवसर को फिर तू साधारण मत खो, कोई विशेष तेरे लिए कार्यक्रम भगवान ने रखा होगा, तभी पीछे से प्रेरणा दे रहा है कि 1 जनवरी को ये प्रसंग खत्म कर दे, फिर नई ड्यूटी तुमको लगाता हूँ, मैंने देखा उसके ऑर्डर से जो भी नई ड्यूटी मुझे मिलती रही, जो कर्म भूमि मिलती रही, उस कर्म भूमि पर मैंने कुशलता का परिचय दिया अंतिम दिन तक, और मुझे उसका फल इतना बढ़िया मिला कि मैं जिसको अभिव्यक्त नहीं कर सकता, भले तुम लोगों के भीतर कुछ हो रहा होगा, अरे बाबा फिर ऐसे नहीं मिलेंगे, अरे भाई तुम्हारा विषय ममता का होगा, अब मुझे उनको देखना है, सरकार को देखना, सरकारी ड्यूटी है हमारा, अब किसी ऑफिसर को ट्रांसफर के आर्डर आ जाए और बच्चे रोने लग जाए तो फिर उसको देखेगा, या तो फिर वहां फिर जाके रिजाइन दे दे, और नहीं तो बच्चे पालने तो कहेगा तुम चुपचाप रहो, रोटी खानी है तो मुझे जाने दो जरा, वहां तुम्हारे लिए कमाना मुझे और क्या करना, इसलिए तुम लोगों की ममता से मुझे अगर ये अपना ये जो पीछे से ऑर्डर आ रखा है इसको छोड़ूंगा, आगे आए हैं आगे हो अच्छा, और गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन हम मनाएंगे, हमारा भाई मनोज सिंह का जत्था भी जो शुरू से आ रहा है आज वो आ गया है, तो अभी यहाँ बैठ करके हमको थोड़े शब्द सुनाएगा, तुम लोग भी सुनोगे मैं भी सुनूंगा, उसके बाद फिर हम अभी अपना नियम जो 10-5 मिनट का है, ओम गीता शास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत् तापमान वैष्णव।